हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। नहीं, और मुझे बहुत ही खेद है इस बात का कि मैं आप लोगों के लिए हर एक रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, और इसके पीछे वजह है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह पा रही है कुछ दिनों से। लेकिन मैं आगे से ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो हर एक रोज़ अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पीछे मैथ के दो चैप्टर खत्म कराया, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल, नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का केमिस्ट्री शुरू करूंगा। और केमिस्ट्री में हम लोगों को पहला चैप्टर आपके सिलेबस के हिसाब से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम लोग आज से पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो चलिए हम लोग बातचीत को शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस शुरू करने से पहले आप एक छोटी सी बात बताइए। जैसे कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा चेंज, क्या पढ़ा होगा? चेंज। आपने चेंज दो तरह का पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा आपने फिजिकल चेंज, क्या पढ़ा होगा? फिजिकल चेंज। और दूसरी जो चेंज पढ़ी होगी आपने, वो पढ़ी होगी केमिकल चेंज। नहीं, एक आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज, और दूसरा जो चेंज पढ़ा होगा वो आपने क्या पढ़ा होगा? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, आपको पता है कि फिजिकल चेंज वैसा चेंज होता है जिसमें कभी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, अ चेंज इन विच No new substance is formed। ठीक है, कभी भी नए substance का formation नहीं होता है। हाँ, क्या हो सकता है? Forms of matter बदल सकता है। Forms of matter क्या हो सकता है? बदल सकता है। Forms of matter can be change। लेकिन ध्यान रखिए, matter change नहीं होगा, मैटर चेंज नहीं होगा, फॉर्म्स ऑफ मैटर चेंज हो सकता है, मटेरियल नहीं कन्वर्ट हो सकता है कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। केवल क्या हो सकता है? फॉर्म्स ऑफ मैटर चेंज हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने ले लिया आइस, क्या ले लिया? आइस। आइस को हमने थोड़ा सा क्या किया? हीट किया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? वाटर में। वाटर को थोड़ा सा हमने क्या किया? हीट किया, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका वेपर में। कन्वर्स की अगर बात करें तो वेपर को अगर थोड़ा सा क्या कीजिए, कूल करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। और वाटर को फर्दर कूल कीजिएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। तो यहां पे आइस से वाटर होना, या फिर वाटर से वेपर होना, या फिर वेपर से वाटर और वाटर से आइस होना, ये सारा किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें किसी तरह के न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, उनका जो बिहेवियर है वो केमिकल बिहेवियर है, वो क्या है? अभी भी वही है जो पहले था। लेकिन अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं, तो केमिकल चेंज को समझाने से पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे पहला एग्जांपल लू तो पहला सिंपल सा एग्जाम्पल, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। दूसरा ले रहा हूं बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर ले लेता हूं। साथ ही साथ ले लेते हैं रस्टिंग ऑफ एन आयरन। चौथा ले लेते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, यहां पे इन सारे एग्जांपल्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें पाएंगे कि इनिशियली सब्सटेंस कुछ और था, लेकिन ये प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, सब्सटेंस ने अपनी नेचर और आइडेंटिटी दोनों क्या कर दी? बदल दी। तो ये किस चेंज के अंतर्गत आएगा? केमिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। केमिकल चेंज कहने का मतलब उस तरह का चेंज होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी नेचर और आइडेंटिटी को क्या कर देता है? लूज कर देता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो कह सकता हूं कि अ चेंज इन विच substances lose their nature and identity and forms
अ न्यू सब्सटेंस, फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी, विथ न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ओके। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपना नेचर और आइडेंटिटी लूज करता है और क्या फॉर्म करता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, वो भी किसके साथ जी, नई प्रॉपर्टीज के साथ, उस तरह के चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कडलिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध से दही का जमना, दूध जमने से पहले कुछ और होता है और जमने के बाद दही जब बनता है तो उसकी जो नेचर है और दूध का जो नेचर है, यानी दूध और दही दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। ठीक उसी तरह बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, पेपर जलने से पहले किसी और नेचर का होता है और जलने के बाद तो वो खाक हो जाता है, आयस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उन दोनों का नेचर क्या है, अलग है। आई मीन केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अपनी नेचर और आइडेंटिटी को क्या कर देता है, लूज कर देता है और हमेशा नए तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, ओके। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब आपसे कोई पूछे कि केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कीजिए, तो बड़ा सिंपल है, केमिकल रिएक्शन आर दोज टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस लूजेज इट्स नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म्स ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज को आप डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से, ओके। कुछ आपके सामने एग्जांपल्स भी हैं, कर्लिंग ऑफ मिल्क, बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ एन आयरन एंड बर्निंग ऑफ कैंडल। इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है। देखिए, बर्निंग ऑफ कैंडल यहाँ पे दोनों तरीके से ट्रीट किया जाता है, साथ ही साथ फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है, ओके। ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियस होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों के दोनों चेंजेस साइमल्टेनियस होते हैं, इसीलिए बर्निंग ऑफ कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों। फिजिकल चेंज इसलिए है क्योंकि जब आपका कैंडल जल रहा होता है तो उसके कुछ वैक्स जो होते हैं वो मेल्ट भी करते हैं, तो मेल्टिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि मेल्टिंग ऑफ समथिंग जो होता है, मेल्टिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का मेल्ट करना, जो चीज मेल्ट होने के लायक हो, जैसे कि आपका आइस हो सकता है, बटर हो सकता है, ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ एनीथिंग क्या होता है, आपका फिजिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे कुछ वैक्स आपके मेल्ट भी करते हैं, इसीलिए क्या हो गया आपका, फिजिकल चेंज, और कुछ वैक्स बर्न भी करते हैं, ठीक है। तो बर्निंग क्या है जी, बर्निंग ऑफ कैंडल या बर्निंग ऑफ एनीथिंग, या बर्निंग ऑफ एनीथिंग करने का मतलब वो सारी चीजें जो कंबस्टिबल हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, केमिकल चेंज कहलाएगा। इसीलिए बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है आपका, दोनों तरह का चेंज है, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी, ओके। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर केमिकल चेंज में ऐसा क्या होता है कि उसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टी, ओके। तब तक के लिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टी, ओके। तो इसको समझाने से पहले मैं दो चीजें और आपको समझा देना चाहूंगा जिसको अपन लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। रिएक्टेंट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, और प्रोडक्ट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के बाद जो फाइनल सब्सटेंस बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आप फिर ऐसे कर सकते हैं द न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी जो फॉर्म्ड होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। आई मीन रिएक्टेंट जो है अ सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ओके। वैसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, टेक पार्ट करते हैं, और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन,
केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अपन ने क्या किया, थोड़ा सा हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन, क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, या फिर इसी को आप तो जनरल जानवे करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। ये जो है आपका वो है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसी को जनरल क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस रिएक्शन में जो टेक पार्ट किया वो कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। और यहाँ पे एज अ रिजल्ट केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बने विथ न्यू प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, तो ये रहा आपका प्रोडक्ट। तो आई मीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। आपको ये भी पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, आई मीन अब ये पूछेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, एटम्स होता है। उन एटम को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाउंड करके रखता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। तो मॉलिक्यूल तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया नहीं, लेकिन जब भी केमिकल रिएक्शन करा है तो एज ए मॉलिक्यूल लिखते हैं, राइट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, टूटते हैं, और नए बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस दौरान जो एटम्स होते हैं वो खुद को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, ठीक है। एटम्स खुद को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं या फिर रीग्रुप करते हैं और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। आई मीन किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वहां पे रीअरेंजिंग या रीग्रुपिंग ऑफ क्या होता है, एटम्स होता है, जिसमें नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और पुराने बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, ठीक है। आपको इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक सब्सटेंस अमोनियम साइनेट, क्या ले लेता हूँ, अमोनियम साइनेट, ओके। इसको मैंने थोड़ा सा क्या किया, हीट किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर अमोनियम साइनेट और यूरिया दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या होता है, सेम होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से काम चलाऊंगा, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान रीग्रुपिंग या रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स कैसे होता है, ओके। तो यहाँ पे मैं अमोनियम साइनेट लिखूं तो यहाँ पे H4N, ठीक है, ये हुआ तो आपका अमोनियम साइनेट, ठीक है। अमोनियम साइनेट ऐसे भी लिख सकते हैं NH4+CNO-, ओके, ये होगा। और यूरिया की बात करें तो यूरिया होता है NH2C NH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के तौर पे है N2H4 और CO, ठीक है। और यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूँ तो यहाँ भी क्या है, N2H4CO। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स है ना, वो अरेंजमेंट्स ऑफ एटम क्या है आपका, डिफरेंट है। यहाँ पे एटम्स ने खुद को क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया, और नया सब्सटेंस का क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम होती है, रीग्रुपिंग ऑफ एटम्स होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नए सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं नोट करके लिख देना चाहूंगा, ठीक है, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, देयर इज regrouping or rearrangements of atoms। यहाँ पे atoms की क्या होती है, regrouping या rearrangements होती है। As a result, there is formation of new substance with new property, ठीक है। ये रीजन है कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां पे आप देख ही चुके अमोनियम साइनेट और यूरिया का दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, N2H4CO।
यहाँ पे भी N2H4CO, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो अलग है और यहाँ पे जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो क्या है, अलग है। इसीलिए मैंने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान यहाँ पे रीअरेंजमेंट या रीग्रुपिंग ऑफ क्या होता है, एटम्स होता है, जिसकी वजह से नया सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है तो आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक करेंगे। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि ओल्ड बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। ओल्ड बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पे न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, क्या होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, नया बॉन्ड बनेगा। अब देखिए जरा, अगर मान लीजिए कि कोई बॉन्ड है किसी भी दो स्पेसीज के बीच या फिर दो किसी एटम के बीच में बॉन्ड है, मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, इज इट क्लियर। ये बॉन्ड ब्रेक किया, इस बॉन्ड में इनिशियली कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, बेशक होगी। अगर मान लीजिए कि इस बॉन्ड की एनर्जी इनिशियली कितना था, 100 जूल था मान लिया हमने, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि हमको इसमें एनर्जी कितनी खर्च करनी पड़ी, 110 जूल खर्च करनी पड़ी। तो इस बॉन्ड की एनर्जी थी 100 जूल, हमने कितना खर्च किया, 110 जूल, ठीक है। तो बाकी की जो 10 जूल की एनर्जी है वो कैसे बैलेंस होगी, वो सराउंडिंग से क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कहने का मतलब है इस सिचुएशन में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। इसी के कन्वर्स में अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी, ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, वो बॉन्ड कितने की है, 100 जूल, बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 100 जूल, और इस बॉन्ड को हमने तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी वो कितनी लगी आपकी, 90 जूल लगी। तो बाकी का 10 जूल क्या होगा, बाकी का 10 जूल जो है सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, और जैसे ही सराउंडिंग में एनर्जी इवॉल्व होगी उस सिचुएशन में होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कहने का मतलब है कि बॉन्ड में जो एनर्जी है, ठीक है, और उसको तोड़ने के लिए हमको उस बॉन्ड की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, तो उस सिचुएशन में जो आपकी रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और इनिशियली जो बॉन्ड में एनर्जी है उसको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी क्या देना पड़ा, कम देना पड़ा, तो उस सिचुएशन में बाकी की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सराउंडिंग में रिलीज हो जाएगी, उस सिचुएशन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, ठीक है ना, हीट क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक और इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। फिर मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, कि केमिकल रिएक्शन के कुछ मैं एग्जांपल्स लूंगा, उसके बाद आपको बातचीत आगे समझ में आएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लेकर के, ठीक, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेकर के मैं आगे की बातचीत आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए, मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले रहा हूँ, या फिर मैं ले रहा हूं पहला एग्जांपल के तौर पे कि व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो क्या फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है, चलिए ठीक है। इसी बातचीत को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया हाइड्रोजन, वर्ड के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया ऑक्सीजन और ये क्या बनाया आपका, वाटर। यहाँ पे मैं इसी बातचीत को हाइड्रोजन के तौर पे यहाँ पे H2 लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन के तौर पे O2 लिख सकता हूँ और वाटर के तौर पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे H2O लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसी केमिकल रिएक्शन को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन में पहले समझा दूँ कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है तो एक बड़ी सी रिएक्शन लिखी हुई होगी, उस रिएक्शन को शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने की जो तरीका है वे है, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम लोग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का सिंबल एंड फार्मूला यूज करते हैं, ओके। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल
केमिकल इक्वेशन जो है इट इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन by using symbol and formula, symbols and formulae of reactants and products. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो होंगे ही होंगे। उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सिंबल एंड फॉर्मूला यूज करके उसको शॉर्ट हैंड तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो वे होगा, जो तरीका होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी रिएक्शन को मैंने दो तरीके से लिखा है। एक तरीका हमारा वर्ड में लिखने का है और दूसरा जो तरीका है वो है सिंबल के फॉर्म में एंड फार्मूला के फॉर्म में, सिंबल एंड फार्मूला के फॉर्म में। तो यहाँ से ये बात सामने आ सकती है कि आप बोल सकते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन होगा वो दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है आपका वर्ड इक्वेशन और एक जो हो सकता है आपका वो हो सकता है सिंबल इक्वेशन। क्या हो सकता है? सिंबल इक्वेशन, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को सिंबल एंड फॉर्मूला के फॉर्म में लिखने का जो वे है उसको अपन सिंबल इक्वेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे सिंबल इक्वेशन है और वर्ड के भी फॉर्म में किसी भी केमिकल इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे यहाँ पे क्या है आपका वर्ड इक्वेशन है। ओके, आप समझ गए? ठीक है, एक और बात आपको समझा दूं। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है फॉर्मूला, सिंबल तो आप समझ रहे हैं, फॉर्मूला क्या है बात कर रहे हैं अपन, केमिकल फॉर्मूला की। किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल फॉर्मूला की। ओके, अगर मैं केमिकल फॉर्मूला की बात करूं तो इसको पहले समझा दूं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, नो डाउट यहाँ पे मैंने लिखा वाटर, क्या लिखा? वाटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम क्लोराइड, क्या लिखा? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सारा का सारा फॉर्मूला है, क्या है? फॉर्मूला है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर हमने इसका एक मॉलिक्यूल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें कार्बन के कितना एटम है? एक एटम, और ऑक्सीजन के कितना एटम है? दो एटम। यहाँ पे अगर मैं वाटर का एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ जिसमें हाइड्रोजन के कितना एटम है? दो एटम, और ऑक्सीजन के कितना एटम है? एक एटम। और यहाँ पे अगर मैं सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ जिसमें सोडियम का एक एटम है और क्लोरीन का क्या है? एक एटम है। ठीक है, ओके, यानी हमको ये तो पता चला कि केमिकल फॉर्मूला जो है वो किसी भी सब्सटेंस के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है, नहीं? तो ये जो केमिकल फॉर्मूला है एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंबल के फॉर्म में ही तो लिखा, नहीं? किस फॉर्म में लिखा? सिंबल के फॉर्म में। तो केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्सटेंस विच टेल अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। ओके, तो मैं इसको लिख लेना चाहूंगा, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्सटेंस which tells about the actual number of atoms present in one molecule of a given substance. Okay, one molecule of a given substance. ठीक है, समझ गए बात? तो केमिकल फॉर्मूला हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। अब आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन दो तरह का और होता है, और ये मैं उस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ जो कि वो किस फॉर्म में होगा? सिंबल इक्वेशन के फॉर्म में होगा। सिंबल इक्वेशन को ही दरअसल हम लोग क्या समझते हैं? केमिकल इक्वेशन समझते हैं। क्या समझते हैं? केमिकल इक्वेशन समझते हैं। ठीक है ना, तो ये जो केमिकल इक्वेशन है, अगर सिंबल इक्वेशन की बात करी जाए तो ये दो तरह का हो सकता है। एक होगा आपका बैलेंस्ड, एक क्या होगा आपका? बैलेंस्ड। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा आपका? अनबैलेंस्ड। क्या होगा? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि बैलेंस्ड क्या है और अनबैलेंस्ड क्या है। ठीक है, इसको तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये बता दूं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को अपन लिखते कैसे हैं। ठीक है, ओके, एक बात तो समझ जाइए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में
ठीक है, सॉरी किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर, सॉरी किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट करने का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई मीन उस रिएक्शन में तो रिएक्टेंट होगा और क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, दो चीज़ें तो होंगी। तो रिएक्टेंट को हम लोग हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। रिएक्टेंट कहाँ रहता है आपका, लेफ्ट साइड में, और जो आपका प्रोडक्ट होता है वो कहाँ होता है, राइट साइड में। किधर होता है, राइट साइड में। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में अपन एक एरो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, एरो। एरो का जो हेड होगा वो प्रोडक्ट के साइड होगा, और जो टेल होगा वो किधर होगा, रिएक्टेंट के साइड होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है चीज किसमें चीज बदल रही है, प्रोडक्ट में बदल रही है। ओके, अगर रिएक्टेंट सिंगल है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए है और ये क्या बन गया, बी बन गया, ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ओके, साथ ही साथ मान लेते हैं कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट में भी है और दो प्रोडक्ट में भी है, तो उसको प्लस साइन के साथ लिखते हैं। जैसे ए प्लस बी, यहाँ पे कोई दो रिएक्टेंट के तौर पे है, ए प्लस बी, और ये बन गया क्या जी, सी प्लस बी। तो बहुत सारे रिएक्टेंट और बहुत सारे प्रोडक्ट हो तो उसको हम लोग प्लस के साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड। ये वे होता है केमिकल रिएक्शन को लिखने का, ठीक है। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में अपन क्या दिखाते हैं, एरो दिखाते हैं। ये एरो ही बताता है कि समथिंग चेंजेस इनटू दैट थिंग, ठीक है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं इस केमिकल इक्वेशन के दो तरह के नेचर की, एक रहा आपका बैलेंस्ड और एक रहा आपका अनबैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड क्या है और अनबैलेंस्ड क्या है, बैलेंस्ड उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे मैंने लिखा एस टू और यहाँ पे मैंने लिखा ओ टू, ठीक है, और ये रहा आपका एस टू, इज इट क्लियर। यहाँ पे मैंने लिखा सी ए ओ और यहाँ पे मैंने लिखा सी ओ टू और यहाँ पे मैंने बनाया सी एस सी ओ थ्री। क्या बना क्या रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप सिर्फ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे ध्यान दें। यहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पे एस टू है और ओ टू है, और प्रोडक्ट के तौर पे क्या है, एस टू ओ है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पे सी ए ओ है, सी ओ टू है, और प्रोडक्ट के तौर पे क्या है, सी एस सी ओ थ्री है। ओके, यहाँ पे अगर एटम्स की बात करें, रिएक्टेंट साइड एटम की बात करें, रिएक्टेंट साइड, तो यहाँ पे एटम एस टू दो, ऑक्सीजन कितना, दो, टोटल कितने हो गए, चार, यहाँ पे टोटल कितने हुए, थ्री, क्योंकि दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ इक्वल नहीं है, इसीलिए ये क्या है आपका, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर यहाँ पे देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे दो एटम और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तीन एटम, ठीक है, CO3 है, CO2 है ना, तो दो एक तीन और तीन छः, और यहाँ पे देखेंगे तो दो एक तीन तीन छः, यहाँ पे भी छः एटम और यहाँ पे भी छः एटम। ऐसे नहीं समझ रहे, तो ऐसे समझिए, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, दो है, ऑक्सीजन कितना है, दो है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, दो, ऑक्सीजन कितना है आपका, वन, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम कितना है, वन है, ऑक्सीजन कितना है, एक इधर और एक दो इधर, तीन हो गया, और साथ ही साथ आपका कार्बन कितना है, एक है। अगर मैं प्रोडक्ट साइड की बात करूँ तो कैल्शियम यहाँ पे कितना है आपका, वन है, कार्बन कितना है आपका, वन है, और ऑक्सीजन कितना है आपका, थ्री है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है, वही नंबर ऑफ एटम्स क्या है आपका, प्रोडक्ट साइड है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट है प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स से। आई मीन जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों डिफरेंट होंगे, आई मीन बराबर नहीं होंगे, तो उसको अपन बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, ठीक है। इसके आगे की बातचीत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, तब तक के लिए आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।